दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन शुरू हो चुका है। चौथे दिन इंग्लैंड की टीम आई थी भारतीय टीम के 399 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। एक विकेट तीसरे दिन ही इंग्लैंड की गिर चुकी थी। ऐसे में मैदान पर जैक क्रॉली और रेहान अहमद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी अक्षर पटेल की इस गेंद को रेहान अहमद दिन की शुरुआत में ही पढ़ नहीं पाए और गेंद लग गई पैच पर, जिसके चलते 23 रन बनाकर रेहान अहमद इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद आए ओली पोप, इनके बीच में और जैक क्रॉली के बीच में अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, तभी अश्विन ने आते ही इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद रखी। एज देकर रोहित शर्मा के हाथों स्लिप में कैच से बैठे ओली पोप, सबसे बड़ी विकेट मिली इंग्लैंड की दिन की शुरुआत में भारतीय टीम को। ओली पोप आउट हुए 23 रन बनाकर। दोस्तों के बाद आए जो रूट, इस सीरीज में इनका फॉर्म वैसे भी खराब था तो इस मुकाबले में भी उन्होंने खराब प्रदर्शन ही किया। अश्विन की इस गेंद को जो रूट भी पढ़ नहीं पाए, एच देकर सीधा अक्षर के हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते इंग्लैंड के बड़े बल्लेबाज जो रूट मात्र 16 रन बनाकर हुए आउट। दोस्तों जैक क्रॉली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने अर्धशतक लगा दिया था, 73 रन पर ही आ चुके थे। इनके सामने रोहित शर्मा ने लाया कुलदीप यादव को और यहाँ ही रोहित शर्मा का दाव काम कर गया। दोस्तों जैक क्रॉली कुलदीप यादव की चाइना गेंद को पढ़ नहीं पाए, गेंद लग गई बैट्स पर, अंपायर ने दिया आउट। 73 रन बनाकर जैक क्रॉली एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उनके बाद मैदान पर आए बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो, दोनों के बीच में छोटी साझेदारी हो ही रही थी, तभी जसप्रीत बुमराह ने यॉर्कर गेंद रखी, गेंद लग गई बैट पर जॉनी बेस्टो के, रिव्यू लेने के बाद भी ये बच नहीं पाए। 26 रन बनाकर जॉनी बेस्टो भी आउट हुए। 6 खिलाड़ी पवेलियन में चले गए। 200 रन भी इंग्लैंड की टीम अभी नहीं बना पाई है और अभी भी 205 रन चाहिए इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए, जो कि नामुमकिन सी बात है। तो यही भारतीय टीम विजेता बन जाती है दूसरे टेस्ट मुकाबले की। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप विश्व मनगिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन, जहां तीसरे दिन भारतीय टीम वापस से बल्लेबाजी करने आई अपनी दूसरी इनिंग में और भारतीय टीम के पास 171 रनों की लीड तो पहले ही आ चुकी थी, जिसके चलते इसको बढ़ाने के लिए और रोहित शर्मा और शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज बनकर आए। लेकिन दिन की शुरुआत में ही रोहित शर्मा एंडरसन की संदराती गेंद को पढ़ नहीं पाए, हो गए क्लीन बोल्ड, जैसे कि आप लाइव मैच में देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ रोहित शर्मा की पारी भी समाप्त, 13 रन पर एंडरसन के हाथों। उनके बाद बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को, जयसवाल भी वही गलती कर बैठे, एंडरसन की बाहर जाती हुई गेंद पर एच दे बैठे और स्लिप में रूट ने इस तरीके से कैच लप की। पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज जयसवाल 17 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद श्रेयस अय्यर, इन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन जब ये 29 रन पर थे, एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्डली की इस गेंद पर बशीर को इस तरीके से कैच दे बैठे, जिस गलते इस मुकाबले में 29 रन बनाकर श्रेयस अय्यर आउट हुए। उनके बाद आए रजत पाटीदार, लेकिन ये भी वही गलती कर बैठे, बाहर जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का एज दे बैठे और विकेट कीपर ने एज लगते ही कैच को लपक लिया इस तरीके से, जिस गलते इस मुकाबले में ये भी आउट हुए मात्र 9 रन बनाकर। दोस्तों लेकिन इस मुकाबले के भारतीय टीम की दूसरी इनिंग के स्टार बल्लेबाज थे शुभमन गिल, जिन्होंने ऐतिहासिक बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के इस रन स्कोर को अकेले आगे बढ़ाया। दोस्तों शुभमन गिल ने साबित कर दिया कि क्यों वो असली प्रिंस माने जाते हैं। दोस्तों इसी सिंगल के साथ शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, शतक लगाया दूसरी इनिंग में शुभमन गिल ने, लेकिन इनकी शतक की पारी ज्यादा लंबी नहीं हो पाई, क्योंकि शुएब बशीर की सगली ही गेंद पर अपने बल्ले का हाथ का एज दे बैठे जरिए से, जिसके चलते विकेट कीपर ने फोक्स ने कैच लपक ली, जिसके चलते आउट हुए शुभमन गिल की ऐतिहासिक पारी 104 रन पर समाप्त हुई। उनके बाद आए केएस भारत, लेकिन अक्षर पटेल भी 45 रन बनाकर हार्डली की गेंद पर LBW आउट हुए अगली ही गेंद पर, जिसके चलते 230 रन पर 6 विकेट गिर चुके हैं भारतीय टीम के। 370 रनों की भारतीय टीम के पास लीड आ चुकी है। लेकिन दोस्तों आप गिल की बल्लेबाजी को 5 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड में दूसरे टेस्ट मुकाबले में हुआ बेहतरीन रोमांच शुभमन गिल की बल्लेबाजी का। दोस्तों आज भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन था, जहां तीसरे दिन भारतीय टीम की दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी थी। जयसवाल और रोहित आए थे, भारतीय टीम के पास 171 रन की लीड थी। तीन दिन के शुरुआत में ही रोहित शर्मा इस तरीके से 13 रन बनाकर आउट हुए, जयसवाल 17 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं श्रेयस अय्यर 29 रन बनाकर आउट हुए। जहां एक तरफ लीड तो भारतीय टीम के पास काफी ज्यादा थी, तीन बल्लेबाज आउट भी हो चुके थे, लेकिन वैसे वक्त पर आए मैदान पर शुभमन गिल और आते ही शुभमन गिल ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया। मैदान के हर कोने पर चौकों और छक्कों की लड़ी लगा दी प्रिंस ने। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल ने बता दिया कि क्यों है वो अपनी जनरेशन के सबसे लाजवाब व सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी तरीके से सिंगल लेकर शुभमन गिल ने अपने शतक को अंजाम दिया। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन शतक पूरा किया शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ। इनकी पारी के ही चलते 350 ज्यादा की रन की लीड भारतीय टीम के पास आ चुकी थी, अभी सिर्फ 5 ही विकेट खोकर। दोस्तों आप सभी को बता दें, शुभमन गिल की ये पारी भारतीय टीम की जीत इस मुकाबले में निश्चित कर चुकी है 104 रन पर। इस तरीके से एज से बैठे अपने बल्ले का शुभमन गिल और विकेट कीपर ने इस तरीके से कैच लपक ली, शुएब बशीर की ये गेंद थी, जिसके चलते 104 रन पर शुभमन गिल आउट हुए, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को काफी ज्यादा योगदान दिलाया। लेकिन दोस्तों आप शुभमन गिल की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे।
दोस्तों अगर आप जसप्रीत बुमराह को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह का तूफान आया, जहां पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 356 रन बना दिए थे। ऐसे में बारी थी अब इंग्लैंड की पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरने की। इंग्लैंड को धाराशाही कर दिया जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी ने। दोस्तों आप सभी को बता दें, जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया। जसप्रीत बुमराह के पहले शिकार बने इस इनिंग में और कोई नहीं, इंग्लैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज जो रूट। दोस्तों बाहर जाती हुई गेंद पर इस तरीके से एस जेबेटे जो रूट और स्लिप में शुभमन गिल ने कैच लपक ली। दूसरे इनिंग के शिकार बने ओली पोप, जिनको इस तरीके से इन स्विंग यॉर्कर रखकर जसप्रीत बुमराह ने 23 रन पर बुरी तरह से बोर्ड कर दिया। उनके बाद उनके अगले शिकार बने जॉनी बेस्टो, ये भी एज देकर इस तरीके से स्लिप में आउट हुए। 3 विकेट यहां पर बुमराह ने ले लिए थे और तीनों ही विकेट काफी बड़े थे। दोस्तों उनके बाद अगली विकेट एक और बड़े बल्लेबाज की आई, जो की थे बेन स्टोक्स। इनको भी इस तरीके से बंदर आती हुई गेंद रखी, पन नहीं पाए बेन स्टोक्स और हो गए इस तरीके से क्लीन बोल्ड। 14 विकेट मिली जसप्रीत बुमराह को और 5 विकेट थी उनकी। इस तरीके से टॉम हार्डली भी एज दे बैठे और शुभमन गिल के हाथों आउट हुए। 5 विकेट यहां पर पूरे कर लिए थे जसप्रीत बुमराह ने और 9 विकेट इंग्लैंड के गिर चुके थे। आखिरी विकेट भी बुमराह ने इस तरीके से एंडरसन को LBW आउट करा दिया। विकेटों के बीचों बीच पाए गए 6 विकेट लिए बुमराह ने 45 रन देकर 293 रन पर ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड की टीम को जसप्रीत बुमराह ने। और भारतीय टीम के पास काफी तगड़ी लीड आ गई ऐसी गेंदबाजी के चलते। लेकिन दोस्तों आप बुमराह की गेंदबाजी को 5 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन। दोस्तों दूसरे दिन भारत के यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचा। दोस्तों इन्होंने 209 रनों की पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम की पहली इनिंग 356 रन पर समाप्त हुई। ऐसे में अब बारी थी इंग्लैंड की पहली इनिंग की। बेन डेकलेट व जैक क्रॉली ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई थी, लेकिन पहले इनके सलामी बल्लेबाज इस तरीके से आउट हुए। दोस्तों जैक क्रॉली इस तरीके से बेहतरीन, लेकिन उनके सामने डेकलेट एच डेविड इस तरीके से और स्लिप में आउट हुए। कुलदीप यादव की गेंद पर 21 रन बनाकर सलामी बल्लेबाज डेकलेट आउट हुए। उनके बाद जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जैक क्रॉली, 76 रन पर आ चुके थे, तभी हो गई इनसे भी बड़ी गड़बड़। अक्षर पटेल की घूमती हुई गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पीछे खड़े श्रेयस अय्यर को कैच देके बैठे और अपनी विकेट गवा बैठे। 76 रन बनाकर 78 गेंदों का सामना करते जैक क्रॉली आउट हुए। दोस्तों इनके बाद इस तरीके से आधे ही रूट भी अपने बल्ले का एज दे बैठे बुमराह की गेंद पर। शुभमन ने स्लिप में कैच शानदार लपकी, जिस गलते जो रूट भी आउट हुए मात्र 5 रन बनाकर। लेकिन उनके बाद बड़ा झटका दिया ओली पोप को बुमराह ने। यॉर्कर गेंद पर 4 खाने चीत हो गए और बोल्ड हो गए कि जिस तरीके से ओली पोप 23 रन बनाकर बड़ी विकेट मिली। ओली पोप 23 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद बेस्टो भी अपने बल्ले का एज दे बैठे कुछ इस तरीके से और स्लिप में शुभमन गिल ने इनकी शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते बैक टू बैक विकेट मिली बुमराह को। 25 रन बनाकर बेस्टो आउट हुए। उनके बाद तो विकेटों का सिलसिला पूरी तरीके से बरकरार रहा। आते ही फोक्स 20 तरीके से 6 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर 6 रन बनाकर बोल्ड हुए। दोस्तों के बाद रेहान अहमद भी बड़ी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा सामने खड़े शुभमन गिल के हाथों में मार बैठे। लगभग 4 कैचे तो शुभमन गिल ने ही पकड़ी और रेहान अहमद 6 रन बनाकर आउट हुए। बेन स्टोक्स अकेले बल्लेबाज थे, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे विकेट जाने के बाद भी, लेकिन वो भी बुमराह की संतरा थी, गेंद को पढ़ नहीं पाए और हो गए 4 खाने चित। ऐसा बोल तो शायद ही कभी हुआ होगा कोई बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में। बेन स्टोक्स 47 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों के बाद तो विकेटों की लड़ी ही लग गई। टॉम हार्डली भी बुमराह की इस गेंद पर शुभमन गिल को कैच दे बैठे। हर तरफ शुभमन गिल और बुमराह ही नजर आ रहे थे। दोस्तों के बाद इस तरीके से जेम्स एंडरसन भी LBW बुमराह के हाथों आउट हुए। 6 बड़े विकेट निकाली बुमराह ने और इंग्लैंड को ऑल आउट कर रख दिया मात्र 253 रन पर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 253 रन पर पूरी इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हुई और भारतीय टीम अभी भी ट्रेल से काफी आगे थी। जी हाँ दोस्तों, 143 रन से भारतीय टीम आगे थी। बचे हुए 17 ओवर भारतीय टीम वापस से खेलने आई। जयसवाल और रोहित शर्मा ने मिलकर 28 रन लगाए दिन की समाप्ति पर, जिसके चलते दूसरे दिन का खेल पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। 171 रन से भारतीय टीम आगे है और अभी भारतीय टीम के पूरे पास 10 विकेट है और पूरे 2 दिन है। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे। दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आपको बताएं पहले दिन की हाईलाइट, तो पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसमें यशस्वी जायसवाल ने खेली 179 रनों की नाबाक पारी और अश्विन ने 5 रनों की, जिसके चलते भारतीय टीम ने पहले दिन के खेल 336 रन लगा दिए थे। अब दूसरे दिन की शुरुआत में अश्विन और जायसवाल वापस से आए। दोस्तों आते ही यशस्वी जायसवाल ने अपनी बेहतरीन भयंकर व शानदार बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया और जिस हिसाब से उन्होंने पहले दिन बल्लेबाजी की थी, वैसी बल्लेबाजी करते हुए अपने दोहरे शतक तक पहुंच गए। जी हां दोस्तों, अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के करियर का पहला दोहरा शतक पूरा किया याचास वी जायसवाल ने। दोस्तों आप सभी को बता दें, इनका सेलिब्रेशन भी काफी ज्यादा बेहतरीन था। पूरा ग्राउंड पर सिर्फ यशस्वी जायसवाल के नारे बज रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, अब तक इन्होंने बल्लेबाजी की 209 रनों की। 209 रन पर जब ये खेल रहे थे, तब जेम्स एंडरसन ने बाहर की गेंद रखी, बल्ले का एज लेकर बेस्टो के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते जायसवाल की पारियां समाप्त हुई। 209 रन बनाए जायसवाल। दोस्तों उसके बाद रविचंद्रन अश्विन भी एंडरसन की इस गेंद पर एज दे बैठे, जिसके चलते अश्विन भी आउट हुए मात्र 20 रन बनाकर। उनके बाद आए जसप्रीत बुमराह, 2 ही विकेट बाकी थी। बुमराह भी आते ही इस तरीके से एज दे बैठे रिहान अहमद की गेंद पर, 6 रन बनाकर स्लिप में आउट हुए। आखिरी विकेट थी इस तरीके से मुकेश कुमार भी एज दे बैठे और ये भी स्लिप में इस तरीके से कैच आउट हो गए। ये गेंद भी शोएब बशीर की ही थी, जिसके चलते भारतीय टीम ऑल आउट हुई 356 रन पर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की पहली इनिंग 356 रन पर ऑल आउट हुई, जिसमें जायसवाल के 209 रन शामिल थे। लेकिन दोस्तों आप जायसवाल की ऐतिहासिक पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं।
दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरे